जित इंद्रिय जित मद बने जित भव विजित कषाय अजित नाथ को नित नमु अर्जित दुरित पलाय को पल 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 को पले वन में ऋतु पति आए पुलकित मम जीवन लता मन में जिन पद पाए। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की समस्त मुनि संघ की गांव से मां निकल करके शहर में विवाह हो गया। कन्या का विवाह शहर में हुआ, कालांतर में समय पाकर के मां बन गई। मां बनने के बाद धीरे 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 संतान की वृद्धि तो होने लगी, लेकिन शहर की हवा संतान को लग गई। मां गांव की, बच्चा शहर का, ऐसा कंट्रोवर्सी घर में होती है। आप गरीब की औलाद होते हैं और आपकी औलाद एक रईस की औलाद होती है। आप अपने साथ संघर्ष लेकर के पैदा हुए थे और आपके पुत्र अपने मुंह में सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए। जब पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा, विनीत था, बात मानता था, घर के अंदर दादी थी, रोज मंदिर जाती थी, रोज मंदिर जाना होता था। और एक दिन दादी को रस्ते चलती गाय ने ठोकर मार दी तो दादी की कूल्हे की हड्डी टूट गई। ढाई महीने तक जब बिस्तर पे रुके 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 थोड़ी बहुत हड्डी ठीक हुई, लेकिन 70 साल की उम्र में दादी दोबारा अपनी स्पीड पे चल ना पाई तो नाती से अपेक्षा रखती थी कि मुझे एक बार मंदिर करा दो बेटा, एक बार मंदिर के दर्शन करा दो। अब नाती को बड़ी खींच आती। संसार की इतनी बड़ी विडंबना है कि जिसके पास पैर हैं वो मंदिर जाना नहीं चाहता, और जिसके पास मंदिर जाने की सामर्थ्य नहीं है वो मंदिर के बिना अपना मुंह भी जूठा नहीं करना चाहता। वो दादी है 70 साल की, वो कहती है बेटा अष्टमी है, गर्मी बहुत तेज है, एक बार मंदिर के दर्शन करा दो। और लड़का नाती जो था वो दादी को बड़ी मजबूरी में अपने बाइक में बैठाता, बड़ी स्पीड पे चलाते हुए चुपचाप मंदिर के दरवाजे पर खड़ा कर देता। खड़े करके दादी से बोलता, अब तो मंदिर ही हुआ, हम नहीं आ रहे अंदर। बाहर से देख करके बड़ा आश्चर्य लगता, चिंतन का विषय है, आप लोगों के घर में भी ऐसा होता होगा कि समझदार बच्चे मंदिर नहीं जाना चाहते, और जो वृद्ध लोग हैं जिनकी दादी हैं, दादाजी हैं, पिताजी हैं, आँख फूट गई है, सोराइसिस हो गया है, या फिर वाइट स्पॉट कोल्ड निकल आया है, या कुछ और हो गया है, कोई बीमार हो गए हैं, कैंसर हो गए हैं, इन बीमार व्यक्ति की मन के अंदर खूब इच्छा होती है मंदिर जाएं, पूजा करें, दर्शन करें, विधान करें, कैसी विडंबना है। समर्थ व्यक्ति जाता नहीं, असमर्थ व्यक्ति की इच्छा मंदिर से कभी हटती नहीं। जब बच्चा दादी को रोज ले जाता रहा लेकिन कभी मंदिर के अंदर नहीं गया, दादी को बाहर से छोड़ देता। दादी बेचारी धीरे से अपनी लाठी टेकते देखते मंदिर जाती, अपनी अष्टमी, अपनी 14वीं, 7वीं, 5वीं, अपनी 9वीं धीरे से वो करके चुपचाप गाड़ी में बैठती, डर के मारे नाती को बहुत तेज़ी से पकड़ लेती। नाती को जब बहुत तेज़ी से पकड़ती तो नाती को फिर गुस्सा आता, पूरी शर्ट खराब कर देती है दादी, इतनी तेज पकड़ती है पूरी शर्ट में, शर्ट की इंसल्ट हो जाती है। अब जाकर के जैसे तैसे खड़ा करे और नाती मम्मी के पास जाके चिल्लाए, हम नहीं लेके जाएंगे दादी को, पूरा एक तो बैठते नहीं बनता है गाड़ी में और दूसरी पूरी शर्ट पकड़ के पूरी शर्ट खराब कर देती है, हमसे नहीं होगा। मम्मा समझाती बेचारे को, बेटा अपनी दादी है,
अपनी दादी के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना, पापा व्यस्त हैं बेटा, पापा नहीं कर पाते हैं तो तुम कर दो। लेकिन नाती को बहुत खीज होती बार बार में, बात बात पे। धीरे धीरे नाती बड़ा हो गया, दादी चली गई, नाती के साथ उसकी माँ भी धीरे धीरे बड़ी हो गई, पुत्र और माँ दोनों बड़े हो गए। बड़े होकर के 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ने के बाद जैसे जैसे बच्चों के ऊपर के लाइन निकलती है मूँछों की, वैसे उसके उसके जीवन के सूत्र और सोचने की तरीके बदलते चले जाते हैं। थोड़े थोड़े तरीके रोज़ बदलते रहे। माँ सोचती थी कि बेटा मंदिर नहीं जाता है कोई बात नहीं, लेकिन कोई व्यसन नहीं करता है। लेकिन व्यसन जिंदगी में कब आ जाता है पता भी नहीं चलता है। लड़का धीरे धीरे बड़ा होता रहा, बीई बीटेक कर लिया। बीटेक करने के बाद लड़के को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में चला गया। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में जाने पर बच्चे को पता चला कि मैं तो कुछ करने के लायक ही नहीं हूँ। मैंने 5 साल जिंदगी के इंजीनियरिंग में खर्च किए और उसके बाद मेरी कीमत आज मार्केट वैल्यू 9,000 रुपये महीने की है। अच्छा से अच्छा इंजीनियर देखिएगा 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये पाता है और उतने में अपना गुजारा करता है। ऐसे सैकड़ों इंजीनियर्स हैं जो जब जॉब सर्च में सेटलमेंट में जब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो कब सुसाइड कर लेते हैं पता भी नहीं चलता। अब माँ बेचारी गांव की, लड़का हमारा शहर का। आपके घर के अंदर अगर ऐसी कंट्रोवर्सी है तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि आप गांव से शहर में, आप इंदौर में, भोपाल में, नागपुर में, महाराष्ट्र में, बम्बई में आकर के बैठे हैं, लेकिन अगर आप गाँव की रहने वाली है और आपका बच्चा शहर का है, तो भी वो शहर का बच्चा जब इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में चला गया बंधु, उसके बाद बच्चे को धीरे से समझ में आया कि मेरे जीवन में मेरी पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं है, मैं अपने आप को अपने माता पिता को संभाल नहीं पाऊंगा, और बच्चे ने फांसी लगाने की सोच ली। आपके घर के अंदर बच्चे भी, जब बच्चे को ये पता चलता है, बात इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम फेल हुए हैं कि पास, बात फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हमारे माता पिता को किस चीज़ की उम्मीद थी और हम किस चीज़ को पूरा नहीं कर पाए। माता पिता को उम्मीद ज़्यादा रहती है, बच्चे कम नंबर लाते हैं, फेल होने के डर से नहीं, माता पिता की तमन्नाओं में पूरा नहीं उतरने के कारण बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। बिल्कुल यथार्थ सत्य है बंधु। जब वो बच्चे ने फांसी लगाई और मोटी रॉड पर एक मोटी सी रस्सी से अपने पूरे गले को बांधा, बिल्कुल रियलिटी वाली घटना बता रहा हूँ बंधु। अगर वो शावक मुझे रोज़ सुनते हैं, अगर वो सुन रहे होंगे, तुमको लग रहा होगा आज महाराज ने मेरे जीवन को, मेरे घर को प्रवचनों में उतार दिया है। मैं सोच करके हैरान हूँ, आप इस यथार्थ घटना को अपने अनुभूत करने का प्रयास करिएगा बंधु। महानगर की घटना है, लड़का इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में चला गया कि हम अपने माता पिता के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। फांसी लगाने की कोशिश करी, फांसी के फंदे में रस्सी बांधी मोटी नायलॉन की। अगर 1.25 इंच की मोटी नायलॉन की रस्सी आप गले में बांधते हैं बंधु, विश्वास मानिएगा चाह कर भी तोड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि हमने बचपन में एक ऐसी भी सोसाइटी देखी है जिसमें सुतली से लोगों ने फांसी लगाई है और मर गए। बोरा सिलने की सुतली होती है, बोरा सिलने की सुतली घर में टांग करके सुतली में लटक गया आदमी और मर गया। ये मोटी नायलॉन की रस्सी लगा करके लड़का 24-22 साल का अपने घर के बेडरूम पे लटक गया। लटकता तो क्या होता, मरना तो निश्चित था, क्योंकि नायलॉन की रस्सी है, मोटी है, नई है, टूटेगी नहीं, बिल्कुल कंफर्म है। और जिस बिस्तर में चढ़ करके उसने फांसी में लटका था, उस बिस्तर से उस फांसी के फंदे में 3.5 फीट का गैप था। मतलब आप चाह करके भी वापस बिस्तर पर तो नहीं आ सकते, लेकिन भक्ति का, पूजा का, स्त्रोत पाठ का, जप का क्या प्रभाव होता है। गांव की माँ आकर के शहर पे रहने लगी, रोज अजितनाथ भगवान की नियम से माला फेरती थी, नियम से कुंडलपुर के बड़े बाबा की माला फेरने का उनका नियम था। मंदिर जाती थी, पूजा करती थी, शुद्धि का भोजन करती थी। बच्चा भले नहीं करता था, लेकिन घर के अंदर एक व्यक्ति का पुण्य कैसे दूसरे व्यक्ति की रक्षा करता है, हमको इस यथार्थ घटना से देखना है। बिल्कुल यथार्थ घटना है बंधुओं। माँ कहती थी, महाराज हमारा बच्चा पढ़ नहीं पाता था,
हमको लगता था जॉब पे सेटलमेंट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हम रोज बड़े बाबा का विधान पढ़ते थे, हम रोज अजितनाथ भगवान की आपके कहने से माला फेरते थे महाराज जी, हमको रोज ऐसा लगता था कि अजितनाथ भगवान हमारे परिवार की बहुत अच्छे से रक्षा करेंगे, आप बोलते हैं तो शब्दों पे विश्वास है आपके। हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले महाराज जब हमारे बच्चे ने इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में आकर के फांसी का फंदा लगाया, बच्चा खुद बोलता है महाराज श्री मुझे नहीं पता कि वो मोटी रस्सी टूट कैसे गई, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं बिस्तर में कैसे गिरा महाराज जी, बिल्कुल यथार्थ घटना है बंधु, यथार्थ घटना, आंखों देखा हाल है, अभी 8 दिन पहले शावक यहां से होकर के गया है। मैं सोच करके ऐसा, मतलब धर्म क्या होता है, भक्ति क्या होती है, जप की क्या शक्ति होती है, तप की क्या महिमा होती है, घर के अंदर पाले गए एक व्यक्ति का व्रत घर के पूरे परिवार की कैसे रक्षा करता है। आप यथार्थ घटना में देखिए बंधु, कि लड़का खुद बोलता है महाराज श्री मैंने मोटी नायलॉन की रस्सी से अपने गले में फंदा लगाया, मैंने देखा उसके गले में ऐसे पूरे में निशान बना हुआ है मोटी रस्सी का, रस्सी पूरी गले में आज भी बोल रही है उसके। बोले मुझे नहीं पता कि किसके पुण्य से, मुझे नहीं पता कि कौन से देव की आराधना से, मुझे नहीं पता किसकी भक्ति से, किसकी श्रद्धा से, किसकी पूजा से, किसकी तपस्या से वह रस्सी टूट गई। वो रस्सी टूटी तो ठीक थी महाराज जी, लेकिन 3.5 फीट दूर मेरा बेड था, मैं बेड पे जाकर के कैसे गिरा मुझे नहीं पता, जैसे कोई दैवी शक्ति ने मेरी रक्षा करी हो, रस्सी भी तोड़ दी हो और बिस्तर में ले जा करके पटक दिया हो। जब मैं तड़फन से उठा तो मेरे मुंह से बंधा जी के अजितनाथ भगवान का नमस्कार जयकारा निकल रहा था। तब मैंने अपनी माँ से कहा, बच्चे होते हैं मंदिर नहीं जाते लेकिन कई लोग बच्चे प्रवचन सुनते हैं, मेरा प्रवचन सुनना पसंद करते हैं लोग, घरों में सुनते हैं बंधु। मैंने उससे पूछा कि तुम कहीं से कहीं तक झूठ तो नहीं बोल रहे? बोले महाराज श्री आपके चरणों की सौगंध खा के कहते हैं मैं मंदिर नहीं जाता, मैं पूजा नहीं करता, मैं अभिषेक नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। माँ खूब कहती थी कि बेटा अभिषेक किया करो, पूजा किया करो, लेकिन माँ ने एक भी अष्टमी नहीं छोड़ी, एक भी व्रत विधान नहीं छोड़े। माँ का नियम था एक व्रत खत्म होता था दूसरा किसी मुनि महाराज के पास जाकर के व्रत ले लेती थी। महाराज मुझे नहीं पता रस्सी कैसे टूटी, मुझे नहीं पता कि मैं बिस्तर पे कैसे गिरा, मुझे नहीं पता कि मैं बेहोश कब हुआ, बस मुझे इतना पता है कि जब मैं तड़प रहा था तब मेरे मुख से बंधा जी के अश्यकारी अजितनाथ भगवान का जयकारा निकल रहा था कि अजितनाथ भगवान आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो। फिर उनका फिर क्या हुआ? मम्मी पापा दरवाज़ा तोड़ करके अंदर पहुँचे, गले में गहरा घाव हो चुका था, मतलब नायलॉन की ताजी रस्सी जो थी दिखने में सॉफ्ट थी लेकिन हार्ड थी तो गले को काट चुकी थी आधा। जाकर के डॉक्टर को दिखाया, अच्छा हुआ महाराज जी केस नहीं बना। फैमिली डॉक्टर को दिखाने पर केस बन गया होता तो फांसी लगाने के अपराध में 6 महीने की सजा हो जाती, लेकिन केस नहीं बना महाराज श्री। घाव आप आश्चर्य मानेंगे, मम्मी दवाई से पहले गंदोदक लगाती थी मंदिर जाकर के, पार्श्वनाथ भगवान की अभिषेक का गंदोदक लाती थी, पहले गले में गंदोदक लगाती थी उसके बाद ट्यूब लगाती थी। 8 दिन में पूरा घाव भर के खत्म हो गया, सिर्फ निशान बचा है आपको यहाँ पर देखने के लिए, आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन जीवन में ऐसा अपराध दोबारा नहीं करूँगा। मैंने कहा तुमने अपराध दोबारा करोगे कि नहीं करोगे ये अलग बात थी, लेकिन धर्म की क्या शक्ति होती है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण तुमने मुझे दिखा दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। कि घर के अंदर का एक सदस्य भी बंधु, एक सदस्य भी अगर प्रतिदिन पूजा करता है, अभिषेक करता है, शांति धारा करता है, भगवान की प्रार्थना करता है, जप करता है, स्त्रोत पाठ करता है, क्षेमम सर्व प्रजानाम प्रभुत्व बलवान धार्मिको भूमिपाल काले काले च सम्यक कलयतु मघवा व्याध्यो यान्तु नाशम, कितना अद्भुत है जैन शासन। वो कहता है कि आप जिस परिवार में हैं, आपके परिवार में गृहस्थ होकर भी अगर एक व्यक्ति तपस्वी है, एक व्यक्ति भक्तिवान है, एक व्यक्ति ऊर्जावान है, तो वो एक व्यक्ति की ऊर्जा, एक व्यक्ति की भक्ति पूरे परिवार की रक्षा करती है, पूरे परिवार की। और फिर जिन परिवारों में 2-4 तपस्वी, 2-4 व्रती, 2-4 धर्मात्मा मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। माँ कहती है उसकी हमसे, महाराज बार बार हमारे मन से एक ही बात आती थी
कि जिस परिवार में खाने का टेस्ट एक जैसा नहीं होता, उस परिवार में ट्रस्ट भी एक जैसा नहीं होता। इस बात को आपको भी समझने की बात है कि जिस गृहस्थ में जब भी टेस्ट, अगर खाने का टेस्ट एक जैसा नहीं है, तो आप मानिएगा कि आपका ट्रस्ट भी एक जैसा नहीं है। तो आप खुद ऑब्जर्वेशन करिए घर के अंदर जा करके, आपको पता चलेगा कि मान लीजिए आपने गिलकी की सब्जी बनाई, लौकी की सब्जी बनाई, रोटी बनाई है, टमाटर अचार बना करके आपने चौके में रख दिया। अब मान लीजिए बड़े भैया चुपचाप खा के चले गए, आपका पति खा करके चला गया, देवर खा करके चला गया, तीनों भाभियों ने खा लिया, बच्चों ने खा लिया, एक बच्चा नौटंकी करता है, हम आलू की सब्जी के अलावा दूसरा कुछ नहीं खाएंगे, हमें तो हमसे नहीं घुसती ये लौकी की सब्जी, हमसे हमारे पेट में न जाएगी। इसका मतलब है कि परिवार के सात लोग एक धारा में बह रहे हैं, एक बच्चा मात्र है जो अलग धारा में चलना चाह रहा है। उसका टेस्ट बस नहीं बदला है बंधुओं, उसका ट्रस्ट भी बदला हुआ है, उसको लाइनअप करने की जरूरत है। महिला घर के भोजन से पकड़ लेती है कि घर का कौन सा व्यक्ति कहाँ भाग रहा है। 7 बजे खाने का टाइम है, 6:30 बजे खाने का टाइम है, और बच्चा एक पराठा खा के चुपचाप चला गया और फिर कहता है कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो इतने में हो जाता है। रात को 9:30-10 बजे वो होटल पे मिल रहा है दोस्तों के साथ खाते हुए। माँ देखती है एक पराठा खाता है, थोड़ा सा अचार खा के जाता है, लेकिन फिर भी फूल रहा है, फिर भी मोटा हो रहा है, फिर भी बॉडी डेवलप हो रही है। क्या खाते हो? हवा खाते क्या? हवा तो नहीं खाते। फिर अरे अपना तो हो जाता है मम्मी, अपनी चिंता नहीं करो तुम। तो माँ धीरे से समझती है कि बच्चा घर का नहीं खाता लेकिन बाहर का खाता है। सिर्फ खाता ही नहीं है बंधुओं, बाहर का सोचता भी है। जिस बच्चे का, जिस परिवार के सदस्य का, इसमें कई बार बड़े भी शामिल हो सकते हैं। बच्चे लौकी की सब्जी खा गए और पिता कहते हैं बेटा एक पत्ता गोभी की सब्जी सामने वाले की दुकान से फ्राई करवा करके ले आओ। अब जब तक वो होटल की सब्जी ना मिले और घर का पराठा ना मिले, तब तक कई लोगों का पेट नहीं भरता। अगर पुरुष वर्ग में भी बड़े व्यक्ति के ऐसे चाल चलन है, तो विश्वास मानिएगा जिसका टेस्ट एक जैसा नहीं होता, उसका ईश्वर संबंधी मान्यताओं में ट्रस्ट भी एक जैसा नहीं होता। अगर आपको ऐसा लगता है आपके परिवार में आपके भोजन से कोई भाग रहा है, तो उसको बहुत सारी चीज़ों को लाइनअप करने की ज़रूरत है। सिर्फ बच्चा भोजन से नहीं भाग रहा है, भोजन के साथ आपके परिवार की मानसिकता से, आपके धार्मिक रिलीजियस से, आपके अंदर की सोच से, आपके व्यवहार से, बच्चा भोजन के माध्यम से तो सिर्फ बता रहा है कि मैं हर चीज में धीरे से लाइन से बेलाइन हो रहा हूँ, संभालते बने तो संभाल लो, लेकिन अब समझ में आए तो संभाल ले। आज से आप टेस्ट करेंगे इस बात को कि कौन सा बच्चा है जो घर के अंदर अलग से सब्जी बनवाता है, कौन सा बच्चा है जो अलग से बोलता है घर के अंदर जब तक तुम चाउमीन नहीं बनाओगी तब तक अपना खाना तो नहीं होने वाला, या घास फूस से अपना नहीं बनता भैया, क्या तुम्हें समझ में आ रहा तो ठीक, नहीं समझ में आ रहा तो हम चले, हम जोमेटो ऑर्डर करके बुला लेंगे। तो माँ जब देखती है कि अपने मकान के पीछे वाली गैलरी में जहाँ पे गली में कचड़े फिके रहते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अमेजोन और जोमेटो के पैकेट पड़े रहते हैं, बेचारा बच्चा चुपचाप जोमेटो का ऑर्डर करके पिज्ज़ा ऊपर बुलाता है, खाता है, खुश होता है, बोलता है, फिर मम्मी से बोलता है यार मम्मी डिस्टर्ब नहीं करो यार, इतनी पढ़ाई है उसके बाद भी डिस्टर्ब करती हूँ, और डिस्टर्ब नहीं करो का बहाना मार के डैश से फिर जोमेटो निकालेगा, फिर धीरे से कोक निकालेगा, फिर दूसरा कोई जूस निकालेगा, पिएगा और चुपचाप पीछे फेंक देगा। पैसा तो ऑनलाइन का ज़माना है, अब ऑनलाइन में तो पता चलता नहीं कि बच्चे ने कॉफ़ी मंगाई है कि कोई स्वीट्स मंगाया है, आपको जो चाहिए है आप वो मंगाते हैं, खा भी लेते हैं। लेकिन जो बच्चा आपके चौके से बाहर भाग गया है, वो बच्चा जो है आपके परिवार से बाहर भाग गया है, इस बात को मान के चलिएगा, उसको अंडर कंट्रोल करना है। और भगवान आदिनाथ इस युग के प्रथम कर्ता धर्ता रहे हैं। हमारे हर पर्याय में कनेक्शन तो बहुत बना है, लेकिन पर्यायों में रिलेशन नहीं बना बंधु। कहीं पर भी आप जाकर के देखिएगा, आप देव की पर्याय में जाकर के देखिएगा कि एक देव पैदा होता है तो उसके नियोग में एक देवी मिल जाती है। कनेक्शन तो है लेकिन रिलेशन नहीं है। नियोग है कि एक सौदर्मिंद के जीवन काल में 40 नील इंद्राणियां सचिन इंद्राणी होकर के चली जाती है। इंद्र को कभी भी एक इंद्राणी जाती है और दूसरी इंद्राणी आती है, इसके बीच में कभी भी दुख नहीं होता, क्योंकि नियोग है,
नियोग क्या बोलता है कि आप चाहें या ना चाहें हम तो आपको मिलेंगे। तो ये कनेक्शन है, आपके पुण्य का कनेक्शन है, पाप का भी कनेक्शन है, चारों गतियों में कनेक्शन मिला बंधु, और रिलेशन नहीं मिला। कनेक्शन कैसा मिला कि हम देव पर्याय में गए, हमको नियोग की देवी मिली, हमने अपनी देवी के साथ भोग उपभोग की सैया में खेला कूदे बड़े हुए, और देवी का आयु काल खत्म हुआ, वो चलती बनी दूसरी देवी आई, इंद्र दूसरी देवी के साथ लग गया। ऐसी एक एक करके 40 नील स्त्रियां सौधर्म इंद्र के जीवन से होके निकल गईं। सौधर्म इंद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाइफ में कनेक्शन तो है लेकिन रिलेशन नहीं है। आप नरक गति में जाकर के देखिएगा कि वहां पर भी कनेक्शन तो बहुत मिलेंगे, रिलेशन नहीं मिलेगा। माँ पुत्र के पास नरक में भी सामने आ रही है, लेकिन कदावधि ज्ञान का प्रयोग करके वो अपने पुत्र में दुश्मन देखती है, पुत्र माँ में दुश्मन देखता है। कुअवधि ज्ञान जो होता है वो आदमी की मृत्यु को फेर देता है बंधु। वहां पर पुत्र माँ को देखता है दूर से, मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, पास आते आते भाव बदल जाते हैं। ये वही औरत है जो बचपन में जब मैं छोटा था तब मेरे आंख में उंगली घुसाती थी, काला काला घुसा करके लगा देती थी। अब सोचिए कितनी कंट्रोवर्सी है नरक की। कनेक्शन तो बन गया, रिलेशन नहीं बना। छोटे से बच्चे के आंख में माँ जब काजल लगाती है कितना शुभ है, बच्चा कितना प्यारा दिखता है, आंख का सौंदर्य बढ़ जाता है, आंखें बड़ी बड़ी दिखती हैं, ऊपर लगा दिया नीचे लगा दिया, लोग देखते रह जाते हैं बच्चे को। लेकिन वही बच्चा जब नरक में मिला अपनी माँ से, दूर से तो मामा चिल्ला रहा है, पास में आकर के ये वो औरत है खूसट, इसने मेरी उंगली घुसा दी थी पूरी आंख में, मैं चिल्ला रहा था रो रहा था, इसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथ में दबा के रखे थे, मैं असहाय था, अब मैं बताता हूँ इसको। और कैसे कर्म का उदय रहता है कि एक दो पर भव पूर्व में उसी माँ ने उस पुत्र को जन्म दिया था, आज वही पुत्र जो है उसी माँ का वध कर रहा है। कनेक्शन तो है, रिलेशन नहीं। आप त्रियंशों में भी देखिएगा कितने सारे त्रियंश हैं, बैल गाय का जोड़ा बन करके एक बछिया पैदा कर दी, एक बछड़ा पैदा कर दिया, कनेक्शन है बंधु रिलेशन नहीं है। गाय का बछड़ा पैदा हो गया आपके घर में, आप देखिएगा, और बछड़ा गाय का दूध पीता है। दुनिया में सबसे पवित्र संबंध गौ माता का, गौ शिशु का माना जाता है। लेकिन त्रियंशों में भी कनेक्शन है बंधुओं, रिलेशन नहीं है। त्रियंश में वही बछड़ा जब 18 महीने का हो जाता है तो जिस गाय का दूध पीकर के बड़ा हुआ है उसी गाय के साथ भोग की क्रिया करके एक नई संतान पैदा कर देता। ये दृश्य को देखते वक्त समझदार मनुष्यों की आंखें कांप जाती हैं कि जिससे कनेक्शन था इसी से पैदा हुआ और इसी के साथ भोग करके फिर नई संतान पैदा कर दी। कितनी भी साफ सुथरी गाय क्यों ना हो, कितनी भी साफ सुथरा बैल सांड क्यों ना हो बंधुओं, इस तरीके की प्रक्रिया त्रियंशों में चलती है, इस तरीके की प्रक्रिया मनुष्यों में भी चलती है। जब भोग भूमि का समय था, युगलिया पैदा होते थे, आपस में भोग भोगते थे, नियोग था, और युगलिया संतान पैदा करते थे और मर जाते थे। लेकिन उसी इन चारों गतियों में सिर्फ एक मनुष्य गति है जहां पर आदिनाथ स्वामी ने व्यवहार की व्यवस्था, रिश्तों की व्यवस्था बनाई। कर्म भूमि में आने पर सारी व्यवस्थाएं बनाई, माता पिता के संबंध बनाए, भाई बहन के संबंध बताए, चाचा फूफा बुआ कितने सारे लोग, पूरे परिवार की व्यवस्था आदिनाथ स्वामी ने बनाई। अब आदिनाथ स्वामी ने परिवार की व्यवस्था बनाई, परिवार की व्यवस्था बनाते बनाते आदिनाथ स्वामी ये देख रहे थे कि एक ही परिवार का सदस्य होने के बाद भी आपस में ये मुट्ठी बांध कर नहीं रहेंगे, ये बात तो पक्की है। तब आदिनाथ भगवान ने कहा कि व्यक्ति को सुधारना है तो उसको समझाने से व्यक्ति सुधरता नहीं। घर के अंदर का ये सूत्र आप भी समझ के रखिएगा। आप अपने बच्चे को सुधारना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को चार अच्छी बातें सुनाएंगे और बच्चा सुधर जाएगा, आप गलत फहमी में हैं। आप सोचते हैं कि आपकी पत्नी को हम डांट देंगे और आपकी पत्नी बात मानने लगेगी, आप गलत फहमी में हैं। आप गलत फहमी में हैं कि आप सोचते हैं कि हम तीन लोग एक साथ बैठ करके मंदिर के अंदर भगवान की सौगंध दिलाएंगे और हमारा पति शराब पीना छोड़ देगा, गलत फहमी में हैं। संबंध कैसे सुधरते हैं इसके लिए प्रभु श्री आदिनाथ स्वामी ने शुरुआत में कहा था, अगर अपने किसी व्यक्ति को सुधारना है
तो सबसे पहले उस व्यक्ति से अपना रिश्ता सुधारिए। जब तक आपका आपके बच्चे के साथ, आपका आपके पति के साथ, आपका अपने पुत्र के साथ, परिवार वालों के साथ रिश्ता सुधरा हुआ नहीं होगा, आप किसी व्यक्ति को सुधार नहीं पाएंगे। सुधरे हुए रिश्तों में व्यक्ति बिगड़ता नहीं, और बिगड़े हुए रिश्तों में कभी आदमी सुधरता नहीं। आप घर के अंदर देखिए ना इस बात को कि आपका आपके परिवार के लोगों से रिश्ता सुधरा है कि बिगड़ा हुआ है। शक्ल देखना पसंद नहीं करते, माता पिता भाई बहन एक साथ एक थाली में बैठ करके खाना नहीं खा सकते, पहले बड़े भैया खा लें फिर हम खा लेंगे। अगर वो खा रहे हैं हमको खाना है तो हम फोन करके बोल देते हैं हमारा खाना ऊपर कमरे में भिजवा दो, हम ऊपर खा लेंगे। ये एक ही परिवार के एक ही सदस्य के रहने के बावजूद जब रिश्ते बिगड़ जाते हैं तो आदमी को आप सुधार नहीं सकते, और अगर रिश्ते सुधरे होते हैं तो आदमी के बिगड़ने का कोई चांस नहीं होता। बंधु, व्यवहार में परिवार की व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था, धर्म की व्यवस्था आदिनाथ भगवान ने सब बताई, सब बता करके फिर मुक्ति का मार्ग बता करके इस पूरे संसार को छोड़ करके सदा काल के लिए वे महाशिव जो हैं वो सिद्ध शिला पर जाकर के विराजमान हो गए। हम अपने घरों के अंदर इस बात को महसूस करें कि हमारे घर के अंदर जो हैं वो हमारे परिवार में हमारे पुत्र से रिश्ता सुधरा है कि नहीं। पुत्र से सुधारना चाहते हैं, पुत्र से हमारा संबंध कैसा है? क्या पुत्र आपको देख करके भागता है? क्या पुत्र आपसे घर के अंदर बचता है? क्या पुत्र आपको फेस नहीं करना चाहता है? पुत्र के मन में आपको लेकर के कोई घृणा है, ईर्ष्या है, डर है, मात्सर्य है? अगर ऐसी भावनाएं हैं, आप चाह करके भी अपना बच्चा कभी सुधार नहीं पाएंगे, चाह करके भी नहीं सुधार पाएंगे। सबसे पहले घर के व्यक्ति घर के अंदर संबंधों में सुधार लाने का प्रयास करें। पत्नी से जिस टोन में बात करते हैं उस टोन में बात करने के लहजे को थोड़ा सा बदलें। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म, अपना मिजाज थोड़ा नर्म रखेंगे, हो सकता है पत्नी बिना कहे बहुत कुछ सीख और समझ जाए। क्योंकि रिश्ते नहीं सुधरेंगे तो आदमी नहीं सुधरेगा, और अगर आदमी नहीं सुधरेगा, आपके बताए मार्ग पे नहीं चलेगा, तो वो कभी मंदिर नहीं आएगा, मंदिर नहीं आएगा और डिप्रेशन में जाएगा, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में जाएगा और फांसी लगाएगा। आपको बचाने आपके घर के अंदर कौन आएगा? मेरी बात आ रही है ना, समझ में आ रही है ना? देखिए ना अपने घर में, आपका आपके पिता से, पिता का आपके पुत्र से, मम्मी से, दादा से, दादी से, ताऊ से, चाची से, बड़ी मम्मी से संबंध कैसा है? अगर आपके संबंध बहुत अच्छे हैं तो फिर आपके घर के अंदर भी इस बात का कॉन्फिडेंस बोलता है, महाराज जी लड़का तो हमारा है लेकिन बड़ी मम्मी की बात मानता है, आपकी क्यों नहीं मानता? जब पुत्र आपका है, आपका दूध लेकर के वो बड़ा हुआ है, जब आप उसके पिता हैं, आप उसको खर्चा देते हैं, आप उसके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, और कहना बड़ी मम्मी का मानता है, ये मतलब यही है कि सिर्फ संबंध का विज्ञान सिर्फ पैदा करने से सीमित नहीं है बंधु। उसके बाद भी घर के अंदर किसके किससे बॉन्डिंग और रिलेशनशिप बेहतरीन है, इसके ऊपर डिपेंडेंट करता है कि आपका बच्चा कितना डेवलप होगा। अगर हम ये फंडामेंटल रूल्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं और हम ये सोचते हैं कि सिर्फ पैसा देने से संतानें हमारे फेवर में काम करेगी, तो वो जो 22-23 साल की लड़की आपका पूरा पैसा लेकर के भाग जाती है, सोना चुरा करके भाग जाती है, प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के भाग जाती है, उसको आपने सब दिया था ना, फिर वो कैसे किसी नीच कुल के लड़के के साथ घर का सोना एक एक डेढ़ डेढ़ किलो लेकर के भाग गई? पैसा देने से बच्चा आपका नहीं है, पैसा के साथ सुविधा देने से भी संतान आपकी नहीं है बंधुओं। संतान आपके रिश्तेदारों से है, आपके आपके संबंध घर के अंदर कैसे हैं इस बात से डिपेंड करता है कि आप अपने घर के अंदर मोटो कैसा स्टैंड करेंगे और कैसे अपने परिवार को उत्थान की ओर लेकर के जाएंगे। बिजनेस क्लास में लोग पिता सुबह 8 बजे से रात को 12 बजे तक सिर्फ पैसा कमाता है, माँ हाउजी खेलने चली जाती है, किटी पार्टी में चली जाती है, बच्चा एंड्रॉयड पे चला जाता है, जवान बेटी कोचिंग के बहाने अपने फ्रेंड से मिलने चली जाती है, छोटा सा बच्चा चाट के ठेले में खड़ा होकर के घूमने फिरने चला जाता है, और छोटा बच्चा होता है तो घर का नौकर है जो गाड़ी चलाने वाला रामू है वो बच्चे को गाड़ी में घुमाने चला जाता है। इसका नाम परिवार और संपन्नता नहीं है ना?
संपन्नता तो रिलेशनशिप का नाम है कि हमारे यहाँ का रूल हो कि सुबह का खाना हम सब मिलकर के साथ में खाएंगे। बच्चा अगर हमसे डर रहा है तो हम बच्चे से धीरे से बोलेंगे, पार्थ बगल में बैठो, हमारे साथ बैठ करके खाना खा लो। एक बार, दो बार, पांच बार, सात बार, दस बार में जब तक घर के अंदर एक दूसरे को देख करके आंसू ना गिरें, इमोशंस क्रिएट ना हो, क्योंकि आपके इमोशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितना आपको लेकर के संवेदनशील है। लेकिन अगर बच्चा आपको लेकर के इमोशंस क्रिएट नहीं करता है तो ये माँ समझिएगा, लड़का छोटी उम्र में हमारी हाथ से बाहर हो गया। बच्चे चाहे बेटी हो चाहे जवान बेटा हो, वो बाहर हो गया बंधु। अब वो बाहर गए बच्चे को आप ऐसे नहीं बुला सकते, उसके रूल्स हैं। या तो रूल्स ऐसा है कि सुबह का भोजन अपन सब मिलके साथ में करेंगे, 9:30-10 बजे का खाना फिक्स कर लेते हैं, नहीं तो शाम को मंदिर जाकर के अपन रोज आरती साथ में करेंगे, या फिर शाम का स्वाध्याय थोड़ा सा पठन पाठन की प्रक्रिया है। ग्रंथ बहुत अच्छी बात कहते हैं, भगवान कहते हैं अगर तुमने हमारी कथा पढ़ी है तो हम तुम्हारी व्यथा सुनेंगे। अगर तुमने भगवान की कथा घर के अंदर भी सामूहिक रूप से बैठ करके पढ़ी है तो तुम्हारी व्यथा उस ग्रंथ में निकल आएगी, तुम धीरे धीरे अपने घर को ठीक कर लोगे। सिर्फ पैसा देने से, सुविधा देने से, एसी लगा लेने से, जैगवार खरीद लेने से, बच्चे को गोल्ड दिला लेने से, बच्चे को फॉरेन यूरोप के टूर कराने से बच्चा आपके फेवर में नहीं आएगा। नहीं है ऐसे बच्चे आज की डेट में, साइकोलॉजी बदल गई है। बच्चे को जहाँ इमोशंस मिलते हैं, जहाँ पर बच्चे को सिर रखने के लिए थोड़ी सी जगह मिलती है, जहाँ उनकी भावनाओं को, संवेदनशीलताओं को थोड़ा सा आकार दिया जाता है, फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़का काला है कि गोरा, और STSC का है कि जनरल का है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जहाँ इमोशंस को थोड़ा सा भी सिर टिकाने को जगह मिलेगी, बच्चा जिंदगी भर आपका खाने के बाद बजाएगा तो उसकी जहाँ पर इमोशंस है। तो सबसे अच्छी बात है कि छोटी सी उम्र में हम अपने बच्चों के इमोशंस को खुद समझें। जब तक हम मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने परिवार को समृद्ध करने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक हम अपने परिवार की बागडोर अपने हाथ पे ले नहीं पाएंगे। और मनोवैज्ञानिक तरीके से काम करने के लिए हमको परिवार में हमारा अहंकार रोक देता है। अरे लड़का है, उसके बाप हम हैं कि हमारा बाप वो है, वो हमारे पास आए। अरे भैया इमोशंस क्रिएट करिए, साइकोलॉजी समझिए ना, कि अगर आपने बच्चे के सामने जाकर के हमने अपने बच्चे को लाइनअप नहीं किया तो यही बच्चा है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, पूरा का पूरा पैसा MCX में जुआ खेल करके बर्बाद कर देगा। 5 एकड़ की जमीन है, कहाँ पे? हाईवे पे। लड़के के पिता गल्ले का काम करते हैं और लड़का रोज सुबह से लेकर शाम तक जुआ खेलता है, रोज के 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख हार जाता है। बच्चे से पूछा बुला करके, ऐसा क्यों करते हो, तुमको शर्म नहीं आती? बच्चा मस्ती में बोलता है, क्या? अरे महाराज 5 एकड़ जमीन है, 3.5 करोड़ रुपया एकड़ की जमीन है, 18 करोड़ की, साथ में बांध के ऊपर ले जाएं का करें जमीन को बताओ जे, इन्हें तो कछु बात नहीं है, जहाँ जो करत है ना करण देत हैं। अब 5 एकड़ जमीन को का करें, इनके मरे के बात तो हमारी है ना महाराज, तो जी 5 करोड़ में से सिर्फ 1 एकड़ जमीन भी बेच दें तो सारे पाप से मुक्ति हो जाए, और जित तो पाप में लगाव है उतना दान कर दें, उसके बाद भी 4 एकड़ जमीन के पैसा हमारे पास है। ऐसी सोच है बच्चों की। ये बच्चे जब आपने अपने बच्चों को इमोशंस के साथ डेवलप नहीं किया तो बच्चे को जहाँ पे जैसा मौका मिला वो चले गए। नीति और नियम खुद सिखाने पड़ते हैं। आप अगर सोचते हैं कि ऐसा नहीं है, बच्चों से पूछिए ना कि आपको आपकी ज़िंदगी में प्रेम ज़्यादा मिला कि गुस्सा ज़्यादा मिला घर के अंदर, छोटे से बच्चे से पूछो आप, और अपने खुद ऑब्जर्वेशन करो कि तुमको तुम्हारी ज़िंदगी के 40 साल हो गए हैं, 45 साल हो गए हैं, 50 साल हो गए हैं, ज़िंदगी में आँख बंद करके एक बार अपने आप से पूछो, प्रेम ज़्यादा मिला कि गुस्सा? अंदर से आँख बंद करके पूछो अपने आप से, क्या मिला मुझे? गुस्सा ज़्यादा मिला, प्रेम ज़्यादा मिला? निश्चित निश्चित आपको जीवन में प्रेम बहुत मिला। दादी से नहीं मिला तो दादू ने दिया, दादू ने नहीं मिला तो बड़ी मम्मी ने दिया, बड़ी मम्मी ने डांटा तो माँ ने संभाला, माँ से छूटे तो पापा के पास गए, पापा से बचे तो फ्रेंड्स ने संभाला, वहाँ पे बाहर हार गए तो गुरुओं ने संभाला। गुरु भी बेहिसाब प्रेम देते हैं। जब परिवार के लोग नहीं देते हैं तो कोई साधु के पास, जब आप साधु से जीवन में जुड़े होते हैं, साधु कितना संभालता है आपको घर के अंदर आकर के।
आप जाते हैं, मन नहीं करता मेरा, मैं महाराज जी के पास जा रहा हूँ, मैं बंधा जी जा रहा हूँ। कितने बच्चे मेरे पास आकर के बैठे रहते हैं, मैं सोचता हूँ कि देखो माँ ने नहीं संभाला, इनने भी नहीं संभाला, मेरे पास आया है, अगर मैंने भी नहीं संभाला तो कहाँ जाएगा। क्योंकि प्रभु रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कि अगर गुरु के पास से भी बच्चा रूखा होकर के चला गया तो जीवन में कोई ठौर नहीं है। अपने आप से पूछो कि मुझे जीवन में प्रेम ज़्यादा मिला कि मुझे लोगों ने क्रोध या गुस्सा ज़्यादा दिलाया। अंदर से आवाज़ आएगी कि जीवन में प्रेम बहुत मिला है। अब जीवन में जब प्रेम बहुत मिला है, उसके बाद भी आपसे पूछा जाए कि आपको याद क्या है, प्रेम की क्रोध, क्रोध याद है ना। कितनी मानवीय दुर्बलता है इस बात की कि जीवन भर हर पल सुबह से लेकर शाम तक हमको प्रेम से नहलाया गया, प्रेम में सरोबार रखा गया, हर चीज़ को पूछा गया। माँ ने सबसे पहले गर्म पुड़ी निकाली तो ऊपर से आवाज़ निकाली, बुलाई, बेटा श्रुत चलो पुड़ी बन गई है तुम खा लो। श्रुत ने ऊपर से धीरे से धक्का मार दिया, डिस्टर्ब नहीं करो। प्रेम तो बहुत मिला, लेकिन क्या हम प्रेम को भोग पाए? कभी लड़के ने सोचा कि हमारी अनुपस्थिति में हमारे माता पिता ने हमारे लिए कितनी प्रार्थनाएं और कितनी तीर्थ यात्राएं करी हैं, कितनी बार गुरुओं से जाकर के बोला है महाराज हमारा तो ठीक है लेकिन बच्चे को आशीर्वाद दीजिए उसका अच्छा हो जाए। लेकिन वो प्रेम दिखाई नहीं देता आपको, आपको दिखाई देता है पापा जब देखो तब डांटते रहते हैं, मम्मी जब देखो तब टॉर्चर करती रहती है, बड़े पापा भी बोलते हैं ऐसा कर देंगे, सिर्फ दादू हैं, दादू बोलते हैं कोई बात नहीं हम तो हैं संभाल लेंगे। दादू क्या हैं? दादू ना हुए कल्प वृक्ष हो गए। जो चीज़ दुनिया में कहीं ना मिलेगी वो दादू से मिलेगी। दादू 10,000 चाहिए, काय के लिए दोबारा नहीं पूछते, दो ना, ऐसा इशारा कर देते हैं, गल्ला खोलो जितना निकालना है निकाल लो लेके चले जाओ। अब दादू क्या हैं? ATM भी हैं, SBI भी हैं, यस बैंक भी हैं, कल्पवृक्ष भी हैं, दादू से दो मांगो सब मिलता है बंधु। लेकिन आप एक बार सोचिएगा कि जीवन में इतना प्रेम मिलने के बाद गुस्सा हमारे जीवन का अंग है। किसी भी गुरु ने, माता पिता ने एक बार कोई बात को टोक दी है, किसी बात के लिए रोक दिया है, हम वहीं पर आज भी रुके हुए खड़े हैं। आपने हमको 13 साल पहले जब हम आचार्य के दर्शन करने जा रहे थे ना, उस समय धक्का मारा था, तभी से हमने सोच लिया था आपको आज के बाद नमोस्तु नहीं करेंगे। कितना कठोर नियम है तुम्हारा, कितना कठोर। माँ से कह दिया, वो जब हम 11th क्लास में, याद है तुमको मम्मी, 11th क्लास में एक दिन फेयरवेल पार्टी के बाद बर्थडे पर हम अपनी सारी फ्रेंड्स को लेकर के घर में आए थे, हमने आपसे कहा था सबके लिए जूस बना के रखना और आपने नींबू पानी बना लिया था। उसी दिन हमने सोच लिया था जो बोल के गए थे मम्मी ने वो नहीं किया, अब मम्मी कुछ बोलेगी तो हम भी जीवन में वो नहीं करेंगे, तब मम्मी को पता चलेगा इंसल्ट करने का क्या मज़ा होता। छोटे से बच्चे ने अपने मन के अंदर ये बात बैठा ली कि हमारी फ्रेंड्स आई थी और फ्रेंड्स के टाइम ने हमने कहा था कि मम्मा सबके लिए गर्मी है, अच्छा चिल मैंगो शेक और लस्सी बना के रखना है, मावा बाटी बना के रखनी है, और मम्मी ने नींबू पानी पिला दिया था। इतने में बच्चे को गुस्सा आज भी भरी है, वो बच्चा आज भी गुस्सा निकाल रहा है, ये नहीं देख रहा कि बचपन से गर्भ से लेकर के 22 साल की उम्र तक माँ ने कितना प्यार दिया है। बच्चे ने कहा है कि बड़ी वाली ऊँची घड़ी चाहिए है, तो पापा ने 50,000 रुपये तुरंत निकाल करके एप्पल की वॉच पहनाई है, लिवाइस का जीन्स पहनाया है, बड़ी गाड़ियाँ दी हैं, क्रिजाल का लेंस लगा करके 25,000 का चश्मा पहनाया है, सब चीज़ें बेमानी हैं, सब चीज़ें। आपका किया गया इतना पुरुषार्थ बेमानी हो गया। याद में क्या रहा? याद में बस एक चीज़ बात रही कि मम्मी से मैंने उस समय ऐसा बोला था और उस मम्मी ने ऐसा नहीं कहा। बच्चों, जिस दिन मम्मी मर जाएगी ना, उस दिन मम्मी की बहुत याद आएगी। वो पिता जो है ना बेटा, जो घर के अंदर इतनी मेहनत करके तुमको डेवलप करने के लिए इतना पैसा देते हैं, और तुम कभी दादाबाड़ी में जाकर के, कभी रायपुर में, कभी दुर्ग में, कभी भिलाई में, कभी इंदौर में, कभी भोपाल के MP नगर जोन टून में ये सिगरेट के छल्ले उड़ा करके उड़ाते रहते हो, पापा की पैसे से क्लासिक मेंथाल खरीदी जाती है, 30-30 रुपये की सिगरेट पी जाती है, गुटखा खाया जाता है, राजहंस में खाना खाते हैं, दुनिया भर के काम करते हैं, आप लोग क्या क्या करते हैं आपको खुद पता है। जिस दिन बाप मर जाएगा ना, उस दिन एक बीड़ी की कीमत भी बहुत अच्छे से पता चलेगी। जब तक पापा हैं, माँ हैं, तब तक ये आवारा गर्दी वाले लड़के जो हैं ये कुछ भी मस्ती कर लें। आप कोटा जाकर के देखिए बंधु, एक बार आँख खोल करके, वो
एजुकेशन हब नहीं है, वो एक फैक्ट्री है। वहाँ पर पढ़ाने वाले शिक्षक का एम है इस बात को लेकर के कि ना मुझे डेवलप होना है ना किसी को डेवलप होने देना है। कोटा जाके देखिए, एमपी नगर जोन टू भोपाल डीबी मॉल जाकर के देखिए, इंदौर का हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जाकर के देखिए, रायपुर दुर्ग भिलाई जाकर के देखिए, जितने भी एजुकेशन सेक्टर के लोग हैं वहाँ पे बाहर खड़े हुए पान के गुमटियों में जाकर के देखिएगा आपके जवान बेटे वहाँ पर खड़े होकर के क्या करते हैं। बड़ी बड़ी स्कूलों में जाकर के देखिए बंधु, बाप माँ जिस दिन मर जाएंगे उस दिन समझ में आएगा कि बहुत घाटे का सौदा हो गया। मेरा समय होने को आया, मैंने धारा शुरू करी थी किस बात से लेकर के कि चार तरफ कनेक्शन है बंधुओं, सिर्फ मनुष्य पर्याय में रिलेशन है और रिलेशन कभी भी आपके टोकने से नहीं सुधरते हैं, अपने रिश्तों को मजबूत करने से सुधरते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे को सब दिया है लेकिन बच्चा आउटपुट में अच्छा नहीं दे पा रहा है, मैं दुनिया के माता पिता से कहना चाहूँगा अपने बच्चों के साथ रिश्तों में सुधार करिए, तब जाकर के बच्चे को सुधार पाएंगे। क्योंकि बच्चे सीधे सुधारने से नहीं सुधरते, रिश्ते सुधारने से सुधरते हैं। आपको लगे कि रिश्ता सुधारना है तो छोटे छोटे फंडे हैं, आप भोजन साथ में करें, आप घूमने साथ में जाएं, आप मंदिर साथ में जाएं। आपको लगता है घर के अंदर बच्चा हमसे दबाव में या डर रहा है, तो बच्चे के मन का डर दूर करके बच्चे के लिए एक समृद्ध पिता बनने का प्रयास करें और अपने बच्चे को बहुत कुछ आदिनाथ भगवान की संपत्ति देकर के छोड़ करके जाएं। शब्द को विराम देता हूँ, फिर बोलने का प्रयास करूँगा। कल पुनः अपन इसी मंच में इसी समय पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सारे लोगों को मेरा आशीर्वाद है। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की।